22 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र रामनवमी पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने रामनवमी के दौरान मंदिरों में रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने के निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए योगी सरकार सभी जिलों के डीएम को 1-1 लाख रुपए उपलब्ध भी करवाएगी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से भी राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं नवरात्रों के मौके पर मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। योगी सरकार के चैत्र रामनवमी के अवसर पर जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि रामनवमी मनाने के लिए यूपी के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया जाता है, लेकिन इतनी कम रकम से क्या होगा। कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण पाठ वाले निर्देश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में लोगों ने अपने आप रामचरितमानस का पाठ पढ़ना बंद कर दिया है, इसलिए सरकार अपने खर्चे पर रामचरितमानस का पाठ कराने पर मजबूर हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करें, उसका हम स्वागत करेंगे। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्या केस में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन उमेश पाल हत्या के बाद से ही फरार चल रही है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से उन पर लगाए गए इनाम की रकम को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं पुलिस तलाश कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में दरार आने पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार से ऐसा क्या करार है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आ रही दरार ही दरार है। आगे उन्होंने लिखा कि अच्छा विकास कार्य करने के लिए भाजपा सरकार सपा को अपना सलाहकार बनाए और ये सीखे कि ऐसा एक्सप्रेसवे कैसे बनाया जाता है जहां भारी भरकम जहाज भी उतारे जा सके। मैनपुरी पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी चुनाव हो रहे हैं ये चुनाव नहीं हो रहे। मैनपुरी से लेकर पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा। आगे उन्होंने धर्म के ऊपर बोलते हुए कहा कि पहले भी भागवत कथा जनता अपने आप करती थी और हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। ये बस जनता पर छोड़ देना चाहिए कि सभी को अपने धर्मों में आस्था होती है। हाथरस के कार्यक्रम में भाजपा नेता ऋषिपाल सिंह शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में देश की हालत दुनिया में भिकमंगों और कमजोर देश की तरह बना दी थी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से ज्यादा तो इस देश को इन्होंने लूटा है। इंदिरा गांधी का कालखंड रहा हो, चाहे नेहरू जी का कालखंड रहा हो, चाहे राजीव गांधी का कालखंड रहा हो, चाहे फिर उसके बाद ये जो 10 वर्ष की सरकार बनी, इसका कालखंड रहा हो। दुनिया के अंदर भारत की छवि एक भिकमंगे की, एक कमजोर देश की, एक निराश्रित देश की बन गई। वो दुनिया को स्थान ही नहीं था भारत का। ऐसा विशाल भूभाग का देश, 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश, इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों की तलाश में पुलिस कई जगहों पर लगातार रेड कर रही है। इस दौरान प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें शूटरों की गिरफ्तारी के लिए उनके ऊपर घोषित इनाम को बढ़ा दिया गया है, जहां माफिया डॉन अतीक के बेटे असद पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। इसके साथ ही असद समेत 5 आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तरकाशी जनपद पहुंचे, जिसके बाद कल्प केदार और गंगा मैया की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम स्थल पर स्थापित विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और भारत सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाओं की लाभार्थी ग्रामीणों के साथ मुलाकात और बात की।